विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं और आज मॉस्को में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक अहम बैठक करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। खबर है कि इस दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर दुनिया की भी नजर होगी। मॉस्को में आज ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जिसमें रूस यूक्रेन जंग का भी जिक्र किया जा सकता है। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिखी। सुकेश ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, उसने जेल में अपनी जान को खतरा भी बताया। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी अपने वसूली एजेंट को जेल से नहीं निकाल रहे। एलजी को भेजी गई तीसरी चिट्ठी में सुकेश ने सत्येंद्र जैन को किस्तों में 50 करोड़ रुपए देने की जानकारी दी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। रूसी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की खेरसोन को बाढ़ में डुबोने की साजिश रच रहे हैं। इस खतरनाक साजिश के तहत यूक्रेन रूस के कब्जे वाले डैम को मिसाइल अटैक कर ध्वस्त करने की फिराक में है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पुतिन ने खेरसोन समेत यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया था।